बदलाव को लाने वाला मास्टरमाइंड गिरफ्तार। फर्जी दस्तावेजों पर रोहिंग्याओं को लाता था आरोपी। यूपी एटीएस ने गाजियाबाद से किया गिरफ्तार। तो इस वक्त की बड़ी खबर लखनऊ से हम आपको बता रहे हैं, जहां यूपी में रोहिंग्या बसाने वाले दो आरोपियों को गिरफ्तार किया गया है। आपको बता दें कि रोहिंग्याओं को लाने वाला मास्टरमाइंड गिरफ्तार हुआ है। वहीं फर्जी दस्तावेजों पर रोहिंग्याओं को आरोपी लाता था और यूपी एटीएस ने गाजियाबाद से आरोपियों को गिरफ्तार किया है। तो इस वक्त की बड़ी खबर लगातार लखनऊ से हम आपको बता रहे हैं, जहां यूपी में रोहिंग्या बसाने वाले दो आरोपियों को गिरफ्तार किया गया है। रोहिंग्याओं को लाने वाला मास्टरमाइंड भी पुलिस ने गिरफ्तार किया और फर्जी दस्तावेजों पर रोहिंग्याओं को आरोपी लेकर आता था। फिलहाल यूपी एटीएस ने गाजियाबाद से आरोपियों को गिरफ्तार किया। इसी बीच बड़ी खबर लखनऊ से है। लखनऊ पुलिस की कैलिफोर्निया थ्योरी निकली गलत। आईआईटी कानपुर की तरफ से जारी की गई रिपोर्ट, जांच में सल्फर समेत संदिग्ध पदार्थ का निकला मिश्रण। डेढ़ हफ्ते पहले 8 लोग हुए थे गिरफ्तार। पुलिस ने पॉलिटेक्निक चौराहे से किया था गिरफ्तार। 8 लोगों के पास से बरामद किया था संदिग्ध पदार्थ। पुलिस ने संदिग्ध पदार्थ को कैलिफोर्निया बताकर भेजा था जेल। लगातार बड़ी खबर लखनऊ से हम आपको बता रहे हैं। बड़ी खबर लखनऊ से, विराजखंड में हुई चोरी की बड़ी वारदात। स्कूल प्रबंधक के घर लाखों की चोरी। चोरों ने जेवरात और नकदी की पाल। उत्तर प्रदेश महाविद्यालय एसोसिएशन के संरक्षक के घर में चोरी हुई है। जी हां, विभूतिखंड थाना क्षेत्र के विराजखंड का ये पूरा मामला है। तो लगातार इस वक्त की बड़ी खबर लखनऊ से हम आपको बता रहे हैं, जहां पर विराजखंड में चोरी की बड़ी वारदात को अंजाम दिया गया है। आपको बता दें कि स्कूल प्रबंधक के घर से लाखों की चोरी हुई है। वहीं चोरों ने जेवरात और नकदी से अपना हाथ साफ किया है। उत्तर प्रदेश महाविद्यालय एसोसिएशन के संरक्षक के घर में चोरी हुई। आपको बता दें विभूतिखंड थाना क्षेत्र के विराजखंड का ये पूरा मामला है। और बड़ी खबर सामने आ रही है, सुशांत गोल्ड सिटी थाना क्षेत्र से अपहरण का मामला। हाईकोर्ट अधिवक्ता की पत्नी का फिरौती के लिए किया गया था अपहरण। 6 जून को शाम 8 बजे महिला का अपहरण हुआ था। मीडिया को कोई जानकारी नहीं दी गई थी। 1 करोड़ की फिरौती के लिए महिला का अपहरण किया गया था। पुलिस ने अपहरणकर्ता को मोहनलालगंज से गिरफ्तार किया है। लगातार वक्त की बड़ी खबर लखनऊ से बता रहे हैं, जहां पर सुशांत गोल्ड सिटी थाना क्षेत्र से अपहरण का मामला सामने आया है। आपको बता दें हाईकोर्ट अधिवक्ता की पत्नी का फिरौती के लिए अपहरण किया गया था। 6 जून को शाम 8 बजे महिला का अपहरण हुआ था और मीडिया को इसकी कोई जानकारी नहीं दी गई थी। आपको बता दें 1 करोड़ की फिरौती के लिए महिला का अपहरण किया गया था। वहीं पुलिस ने अपहरणकर्ता को मोहनलालगंज से गिरफ्तार किया है। बड़ी खबर प्रतापगढ़ से सामने आ रही है। प्रतापगढ़ से इस वक्त की बड़ी खबर, बंधक बनाकर एक ही परिवार के 6 घरों में लूट। 50 लाख के गहने और नकदी लूट कर आ गए। आपको बता दें परिजनों ने पुलिस को इस पूरे मामले की सूचना दी। भारी संख्या पे मौके पर पहुंची पुलिस। बागराय थाना क्षेत्र के ग्रहण की घटना है। इस वक्त की बड़ी खबर प्रतापगढ़ से। वक्त की बड़ी खबर, यूपी की 6 जेलों में हुआ रैंडम सिक्योरिटी ऑडिट। डीजी जेल आनंद कुमार के निर्देश पर हुआ सिक्योरिटी ऑडिट। प्रतापगढ़, सिद्धार्थनगर, उन्नाव, सुल्तानपुर, बलिया समेत बहराइच जेल में हुआ सिक्योरिटी ऑडिट। ऑडिट रिपोर्ट में मिली खामियों पर होगी कार्रवाई। इस वक्त की बड़ी खबर सामने आ रही है, योगी सरकार का बड़ा फैसला। 57 सड़कों को प्रमुख जिला मार्ग घोषित किया गया। सड़कों की चौड़ाई 7 मीटर होगी। यूपी
के 8 जिलों को खास तौर पर फायदा होगा। इसमें लखीमपुर खीरी, कन्नौज, गाजीपुर बस्ती समेत फिरोजाबाद, बाराबंकी, मथुरा और बहराइच शामिल। खबर बता रहे हैं, वैक्सीनेशन को लेकर विशेष अभियान चलाने के लिए सीएम योगी ने निर्देश दिया है। 14 जून से प्रदेश में चलेगा वैक्सीनेशन का विशेष अभियान। रेहड़ी पटरी दुकानदारों पर विक्रेताओं को टीकाकरण लगाया जाएगा। आपको बता दें, सभी विक्रेता ऑटो रिक्शा चालकों के लिए यह अभियान चलाया जाएगा। ड्राइवर बूथ और स्ट्रीट वेंडर बूथ अलग से बनाने के निर्देश दिए गए हैं। सभी जिलों के आरटीओ ऑफिस में ड्राइवर बूथ बनेगा। प्रतिदिन 100 कॉमर्शियल ड्राइवर का वैक्सीनेशन कराने के निर्देश सीएम योगी ने दिए हैं। तो इस वक्त की बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं, जहां योगी सरकार ने एक बड़ा ऐलान किया है। वैक्सीनेशन को लेकर विशेष अभियान चलाने के लिए निर्देश दिया है। 14 जून से प्रदेश में वैक्सीनेशन का विशेष अभियान चलाया जाएगा। रेहड़ी पटरी दुकानदारों, फल विक्रेताओं को टीका लगेगा। आपको बता दें, सब्जी विक्रेता, ऑटो रिक्शा चालकों के लिए यह अभियान चलाया जाएगा। ड्राइवर बूथ और स्ट्रीट वेंडर बूथ अलग से बनाने के भी निर्देश दिए गए। इस वक्त लखनऊ से बड़ी खबर सामने आ रही है। सुशांत गोल्ड सिटी थाना क्षेत्र से अपहरण का मामला। हाईकोर्ट अधिवक्ता की पत्नी का फिरौती के लिए अपहरण किया गया। 6 जून को शाम 8 बजे महिला का अपहरण हुआ था। मीडिया को इसकी कोई जानकारी नहीं दी गई। 1 करोड़ की फिरौती के लिए महिला का अपहरण किया गया था। पुलिस ने अपहरणकर्ता को मोहनलालगंज से गिरफ्तार किया है। तो इस खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ चुके हैं हमारे संवाददाता इरफान। तो इरफान जी, क्या कुछ पूरा मामला है? आपको बता दें, राजधानी लखनऊ के सुशांत गोल्ड सिटी थाना क्षेत्र का मामला है, जहां अधिवक्ता की पत्नी ये इवनिंग वॉक के लिए निकली थी, जिन्हें शाम करीब 8 बजे उनका अपहरण कर लिया गया था। और जब वो घर नहीं पहुंची तो उसके बाद परिवारजनों ने चिंता जताई और सुशांत गोल्ड सिटी थाने में तहरीर दी थी। तहरीर के बाद जब हरकत में पुलिस आई है, उसके बाद करीब 1-2 बजे के रात के समय महिला के फोन से ही पति को फोन करके 1 करोड़ की फिरौती मांगी गई थी। जी, बात की जाए पुलिस की, तो क्या कार्रवाई की गई आरोपियों के खिलाफ? देखिए, आपको बता दें, सुशांत गोल्ड सिटी एक ऐसा थाना है जो जहां पर जो इंस्पेक्टर हैं वो मीडिया को कोई जानकारी नहीं देते हैं, और क्षेत्र में करीब 4 चौकियां होंगी। उन चौकियों के बावजूद अपराधियों के हौसले इतने बुलंद हैं कि महिला जो इवनिंग वॉक के लिए निकली हो, उसे 10 लोग मिलकर सुशांत गोल्ड सिटी थाना क्षेत्र से चंद कदमों की दूरी से उसका अपहरण कर लेते हैं। और पुलिस 3 दिन तक ये मामला दबाए बैठी रहती है, फिर आनन फानन में एक अभियुक्त को गिरफ्तार करके पूरा खुलासा करने की बात करती है। बहुत बहुत धन्यवाद आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए इरफान। तो लखनऊ से इस वक्त की बड़ी खबर बता रहे हैं। आपको बता दें कि सुशांत गोल्ड सिटी का यह पूरा मामला है, जहां 1 करोड़ की फिरौती के लिए महिला का अपहरण किया गया था। पुलिस ने अपहरणकर्ता को मोहनलालगंज से गिरफ्तार किया है। तो लगातार इस वक्त की बड़ी खबर लखनऊ से हम आपको बता रहे हैं, जहां पर सुशांत गोल्ड सिटी थाना क्षेत्र से अपहरण का एक मामला सामने आया है। हाईकोर्ट अधिवक्ता की पत्नी का फिरौती के लिए अपहरण किया गया। इस वक्त बड़ी खबर प्रतापगढ़ से सामने आ रही है। हर्ष फायरिंग बना युवाओं का शौक। डीजे फ्लोर पर युवक कर रहे हैं हर्ष फायरिंग। पिस्टल से फायरिंग करते युवकों का वीडियो हुआ वायरल। सोशल मीडिया पर जमकर वायरल हो रहा है वीडियो। कोर्ट से रोक के बावजूद भी नहीं रुक रही है जिले में हर्ष फायरिंग। शादी समारोह के दौरान डीजे पर की जा रही है हर्ष फायरिंग। तो लगातार बड़ी खबर प्रतापगढ़ से बता रहे हैं। आप तस्वीरों में भी देख सकते हैं कि किस तरह से जो युवक है वो कैसे हर्ष फायरिंग करते नजर आ रहे हैं। तो लगातार बड़ी खबर प्रतापगढ़ से आपको बता रहे हैं, तस्वीरों के माध्यम से आपको दिखा रहे हैं किस तरीके से जो हर्ष फायरिंग की जा रही है वो किस तरीके से युवक कर रहे हैं, और इसका वीडियो भी लगातार सोशल मीडिया पर जमकर वायरल भी हो रहा है। ये पूरा मामला प्रतापगढ़ का है। इस वक्त बड़ी खबर लखनऊ से है। ज्वाइंट सीपी लॉ एंड ऑर्डर ने किया औचक निरीक्षण। वजीरगंज कोतवाली का किया औचक निरीक्षण। महिला हेल्प डेस्क समेत कोतवाली का निरीक्षण किया। निरीक्षण के दौरान कई मामलों में सुधार लाने के लिए कहा गया।
तो लगातार इस वक्त की बड़ी खबर हम आपको लखनऊ से बता रहे हैं, जहां पर ज्वाइंट सीपी लॉ एंड ऑर्डर ने औचक निरीक्षण किया है। आपको बता दें कि वजीरगंज कोतवाली का औचक निरीक्षण किया गया है, जिसमें महिला हेल्प डेस्क समेत कोतवाली का निरीक्षण किया गया है, और इसमें निरीक्षण के दौरान कई मामलों में सुधार लाने के लिए भी आदेश जारी किए गए। इस वक्त एक और बड़ी खबर सामने आ रही है, यूपी कैडर के पूर्व आईएएस अधिकारी चुनाव आयुक्त नियुक्त, अनूप चंद्र पांडे चुनाव आयुक्त नियुक्त, मुख्य सचिव के पद से हुए थे रिटायर। तो इस वक्त की बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं, जहां पर यूपी कैडर के पूर्व आईएएस अधिकारी चुनाव आयुक्त नियुक्त किए गए हैं। आपको बता दें कि अनूप चंद्र पांडे चुनाव आयुक्त नियुक्त किए गए हैं, वहीं मुख्य सचिव के पद से वो रिटायर हुए थे। फिलहाल रुकते हैं एक छोटे से ब्रेक के लिए, आपके मच जाएगा, देखते रहिए प्राइम टीवी।